समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फारूक हसन ने चंद ने आकाश आनंद को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने के मायावती के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बसपा भाजपा का अघोषित गठबंधन है। आकाश आनंद के सवाल भाजपा को चुभ रहे थे, इसीलिए मायावती ने आकाश आनंद को हटाया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मायावती बसपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है। मायावती मनचाहे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा यह फैसला चौंकाने वाला है, मायावती ने ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेबर आता है, जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति, मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने जिस प्रकार से अपने भतीजे श्री आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, वो फैसला चौंकाता है। जैसा उन्होंने कहा कि वो अपरिपक्व हैं, तो आदरणीय मायावती जी, सबसे बड़ा अपरिपक्वता का निर्णय तो आपका है, आपने ही उन्हें बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जो परेशानी उनके बोलने से हो रही थी, क्योंकि वो तेज बोल रहे थे, समाज के हित में बोल रहे थे, कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहने से या दबाव में तो आप उनको नहीं हटा रही, इसका आपको स्पष्टीकरण।